देश में हिंदू मुस्लिम विवादों को हवा देने की लगातार कोशिश है। इसके लिए हिंदुओं के त्योहारों और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जगहों को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक आज भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन में पत्थर मारते हुए बदमाश दिखाई पड़े, तो झांसी की एक शोभा यात्रा में दो गुट आपस में भिड़ गए और शाहजहांपुर में शरारती तत्व ने मजार तोड़ करके वहां शिवलिंग स्थापित कर दिया। जिन्हें देश और समाज की तरक्की का ख्याल करना चाहिए वो नौजवान पत्थर चला रहे हैं, जिन्हें अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कौम की बेहतरी के लिए करना चाहिए वो बुजुर्ग भी पत्थरबाजी में शामिल होकर अराजकता फैला रहे हैं। करीब आधा दर्जन उपद्रवियों के हाथों में पत्थर हैं और सभी छिपकर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां नंदीपेठ में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गणेश विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। गणेश विसर्जन को निशाना बनाने वाले गुनहगारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सनसनी फैल गया। वीडियो में गणेश विसर्जन को निशाना बना रहे सभी उपद्रवी छिपकर पत्थरबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इन पत्थरबाजों को खबर नहीं थी कि पास के मकान से किसी ने उनका वीडियो बना लिया। खबरों के मुताबिक बुधवार को पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए करीब 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गणेश पूजा पर पथराव की खबर और वीडियो सामने आने के बाद अकोट शहर में लोगों की नाराजगी सामने आई। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने इस तरह की ओछी हरकत पर अपना विरोध दर्ज कराया। एक तरफ हिंदू पक्ष के आह्वान पर अकोट शहर के दुकान और बाजार गुरुवार को बंद रहे, तो वहीं मुस्लिम समाज ने भी ईद का जुलूस रद्द करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल देखा गया, जिसके बाद वहां काफी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। साथ ही पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। झांसी में भी शोभा यात्रा के मौके पर दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में चल रहे जल विहार महोत्सव में विमान की शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते बाद हाथापाई तक पहुंच गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शोभा यात्रा की जगह पर पहले एक गुट आपस में भिड़ता है। आसपास मौजूद लोग किसी तरह लोगों को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ दो गुटों में मारपीट शुरू हो जाती है। गनीमत रही कि शोभा यात्रा की भारी भीड़ के बीच शुरू हुई मारपीट से भगदड़ नहीं हुई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। दूसरी तरफ शाहजहांपुर के एक मजार में तोड़फोड़ करने और वहां शिवलिंग स्थापित करने पर बवाल हुआ। घटना थाना सिधौली क्षेत्र के सहोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को एक पक्ष धार्मिक स्थल पर पहुंचा और वहां बनी मजार को तोड़ डाला। मजार की जगह पर शिवलिंग रख दिया गया और साथ ही मजार के इलाके में हिंदू धार्मिक चिन्ह बना दिए। तनाव की स्थिति देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस ने एक नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा शुरू किया, जिसे लेकर इलाके में टेंशन हाई है। शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।